हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव बर्न वाले में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर, पार्ट नंबर 2 है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हम पीआर सिस्टम के बारे में जानेंगे डिटेल में कि क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम इसराइल की एग्जाम्पल लेंगे और डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में ये सिस्टम क्या होता है। चलिए पहले हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है, तब जाके हम यहाँ पे देखेंगे नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम पीआर सिस्टम के बारे में डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है। अब यहाँ पे जो एफपीटीबी सिस्टम था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इसमें क्या थी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है। लेकिन जो पीआर सिस्टम होता है इसमें क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। और यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो किस जो वोटिंग होती है यहाँ पे, वो किसे डालते हैं वोट्स, वो यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे जो चुने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्हें वोट डाली जाती है। लेकिन जो पीआर सिस्टम होता है यहाँ पे जो वोट डाली जाती है वो कैंडिडेट को नहीं डाली जाती, वो पार्टी को डाली जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हम बाद में भी देखेंगे। सो जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू समझ लो कि एक्चुअल में पीआर सिस्टम में क्या होता है। सो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और जो वोटिंग होती है, जो लोगों के द्वारा वोट डाली जाती है, वो पार्टी को डाली जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो पार्टी होती है ये क्या करती है, पहले जो अपने मेंबर्स होती है उसकी लिस्ट तैयार करती है कि हाँ अगर तो हम इलेक्शन जीत जाते हैं सो हमारे जो लेजिस्लेचर या इनकी जो पार्लियामेंट है वहां पे ये मेंबर बैठेंगे अगर तो ये जीत जाते हैं। सो जस्ट ये क्या करते हैं, अपने मेंबर्स की लिस्ट ये पहले बना लेते हैं, क्लियर है। सो इस प्रकार से यहाँ पे वोट जो वोट होती है वो पार्टी को डाली जाती है। अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज की एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि यहाँ पे एक सिटी है, सिटी का नाम है यहाँ पे लेट्स सपोज की एक्स सिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन हम मान लेते हैं सिटी की वो कितनी है, 1000 है। और यहाँ की जो लेजिस्लेचर है, अब उसमें टोटल कितने यहाँ पे सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट है। अब यहाँ पे जो टोटल मानते हैं हम कि चार पार्टीज हैं, ठीक है, चार पार्टीज हैं, फर्स्ट पार्टी और यहाँ पे ये सेकंड पार्टी और ये थर्ड पार्टी और यहाँ पे ये फोर्थ पार्टी। अब यहाँ पे जो पहली पार्टी है, अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो इसे टोटल वोट, टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी, 1000 लोग रहते हैं, 1000 में से यहाँ पे 300 लोगों ने इसे वोट डाला पहली पार्टी को। और यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है इसे यहाँ पे 250 लोगों ने वोट डाला। और यहाँ पे जो तीसरी पार्टी है इसे 350 लोगों ने यहाँ पे वोट डाला। और यहाँ पे जो फोर्थ पार्टी है इसे 100 लोगों ने वोट डाला, ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 300, 500, 9, ठीक है, 1000, यहाँ पे टोटल 1000 लोगों ने यहाँ पे वोट डाल दिया। अब यहाँ पे ये क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन का 300 यहाँ पे कितना होगा, ये 30% होगा, यहाँ पे ये 25% होगा और यहाँ पे ये 35% होगा और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का ये 10% होगा। अब यहाँ पे जितनी इन्होंने यहाँ पे वोट्स हासिल की है उसके अकॉर्डिंगली इन्हें सीट्स मिलेंगी। पार्लियामेंट में टोटल कितनी सीट्स थी, 100, यहाँ पे इसे 30% वोट मिली है, तो इसे 100 का यहाँ पे 30% कितना होगा, 30, तो इसे यहाँ पे पार्लियामेंट में 30 सीट्स हासिल होंगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, जैसे 30% इंटू टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 100, सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना बचा यहाँ पे, 30, तो यहाँ पे जो पहली पार्टी होगी उसे 30 सीटें मिलेंगी पार्लियामेंट में। और इसे कितनी मिलेंगी, इसे 25 सीट्स मिलेगी। और थर्ड पार्टी यहाँ पे 35%, इसे 35 सीट्स मिलेगी और इसे 10 सीट्स मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे पार्लियामेंट में सीट्स इनकी ऑक्यूपाई हो जाएगी और ये पार्टी जो अलग अलग बैठेंगी, क्लियर है। सो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। सो चलिए अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल हमने इसराइल के लेते हैं। एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है कि कंट्री को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। पीआर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वोटर यहाँ पे वोट डालते हैं, पार्टी को वोट डालते हैं, ना कि कैंडिडेट्स को। जो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी होगी, ठीक है, पहले जो पार्टीज होंगी वो क्या करेंगे, अपनी जो लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की उन्हें तैयार करेंगे या नॉमिनेट करेंगे इलेक्शन से पहले। हर पार्टी को यहाँ पे जो सीट्स एलोकेट की जाएंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जितनी ये वोट्स हासिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया कि जितनी यहाँ पे ये वोट्स हासिल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली इन्हें सीट्स मिलेंगी, क्लियर है।
ऐसा नहीं है कि जैसे एफपीटीपी सिस्टम में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस 1984 के जो इलेक्शन थे उसे यहाँ पे 84% वोट मिले थे, और लेकिन यहाँ पे इसने कितनी 415 सीट हासिल की थी, टोटल कितनी थी 543 में से, बहुत ज्यादा 80% से भी ज्यादा, ठीक है। सो ये सिस्टम क्या था, एफपीटीपी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, जितनी उन्हें अगर यहाँ पे 48% सीट्स मिल वोट्स मिली है तो 48% ही सीट्स मिलेगी अगर तो पीआर की बात की जाए तो, क्लियर। सो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आगे दो टाइप्स हम बोल सकते हैं पीआर सिस्टम की, या दो वेरिएशन देखने को मिलती है कुछ कंट्रीज में, जैसे इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, यहाँ पे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, चुनाव क्षेत्र माना जाता है, और जो सीट्स होती है वो हर पार्टी को एलोकेट की जाती है अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ द वोट्स, मतलब कि जितनी वोट्स वो हासिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें सीट्स यहाँ पे दी जाएगी, जैसा कि मैंने डिटेल में अभी समझाया प्रैक्टिकली। अदर मेथड यहाँ पे क्या है कि कंट्री को कुछ यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसा कि अर्जेंटीना और पोर्तुगल में देखने को मिलता है ये सिस्टम। हर पार्टी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की लिस्ट वो तैयार करती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वो पहले से तैयार करते थे, लेकिन यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इन्हें अपनी लिस्ट तैयार करनी पड़ती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे चार पार्टीज हैं, चार पार्टीज अपने अपने मेंबर उतार रही हैं, ठीक है, वो सिस्टम हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने इलेक्ट करने हैं, सो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो यहाँ पे ये जो दोनों वेरिएशन हैं, यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपनी प्रेफरेंसेस है वो पार्टी के अकॉर्डिंग देते हैं, मतलब कि ना कि कैंडिडेट को चुनते हैं, वो पार्टी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस देते हैं जो वोटर्स होते हैं, ठीक है। वोटर्स वोट डालते हैं पार्टी को देख के, ना कि कैंडिडेट को देख के। तो अगर इंडिया में हम बात करें पीआर सिस्टम की, जो एडॉप्ट करा गया है ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए किया गया है। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट के हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के हो गए, राज्यसभा इलेक्शन हो गए, विधानसभा विधान परिषद हो गया, सो इन सभी के लिए यहाँ पे ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो पीआर सिस्टम होते हैं। विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो कुछ स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, सभी स्टेट्स में नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे देखने को मिलते हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है जिस पर्टिकुलर स्टेट में। सो ये आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो बताना है कि टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी है हमारी कंट्री में और वो कौन कौन सी स्टेट्स में है, तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन आज का, क्लियर है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा पीआर सिस्टम के बारे में। क्लास 11th की सभी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सो एफपीटीपी में क्या होता है कि जो कंट्री होती है उसे स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका नाम आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और यहाँ पे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आपके स्टेट्स में ये आप लोगों ने बताना है। पीआर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है, मतलब कि इसे सीमांकित किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलती है पीआर सिस्टम में, एफपीटीपी में बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं वो अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे वो चुनती है, लेकिन यहाँ पे पीआर सिस्टम में क्या होता है कि एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें चुना जा सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वोटर्स यहाँ पे कैंडिडेट को वोट डालते हैं, वोटर्स यहाँ पे पार्टी को वोट डालते हैं, तो पार्टी यहाँ पे वो ज्यादा सीट्स हासिल कर सकती है जितनी उन्हें वोट्स मिली हैं लेजिस्लेचर में। अब जैसे कि मैंने जो लास्ट में एग्जांपल बताई थी 1984 में राजीव गांधी की जो सरकार थी उसे यहाँ पे 48% वोट्स हासिल हुए थे, लेकिन यहाँ पे उसे जो सीट्स मिली थी वो 415 सीट्स मिली थी टोटल 543 में से, और यहाँ पे ये 80% से भी ज्यादा यहाँ पे इसे सीट्स मिली थी, क्लियर है। सो लेकिन यहाँ पे पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, हर पार्टी जितनी सीट्स वो यहाँ पे मिलती है वो किसके अकॉर्डिंग मिलती है, जितनी वोट्स वो हासिल करती है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें सीट्स प्राप्त होती है।
तो एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी हासिल कर पाए या ना, यहाँ पे ये चिंता का विषय रहता है यहाँ पे, कि यहाँ पे 51 यानी कि 50% प्लस वन एक्स्ट्रा वोट होनी चाहिए। अगर तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 543 सीट्स हैं, 543 का 50% मतलब अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 271 आएगा, प्लस वन यहाँ पे एक्स्ट्रा इसे सीट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे कितनी टोटल सीट्स हो जाएंगी, 272 या 273 सीट्स आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो कि यहाँ पे इतनी सीट्स यहाँ पे अगर कोई पार्टी जीतती है तो वो मेजोरिटी पार्टी होगी, वो अपनी सरकार बना सकती है। अदरवाइज यहाँ पे समस्या रहती है कि कोलिजन पार्टी गठबंधन की सरकार बन जाती है, ठीक है, अलायंसेस जो होती है तो ये सरकारें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो इसका डिमेरिट्स बोला जा सकता है एफपीटीपी का। लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस जो हम जो मेजोरिटी होती है वो मिल जाती है कैंडिडेट्स को। एग्जाम्पल यहाँ पे यूके इंडिया आ जाएगा एफपीटीपी सिस्टम में, पीआर सिस्टम में इसराइल नीदरलैंड, ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। पीडीएफ आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे ये सभी पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर गिवन होगा, सो चलिए देख लेना। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीआर वर्क कैसे करता है राज्यसभा इलेक्शंस के लिए। यहाँ पे पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं राज्यसभा इलेक्शंस का प्रोसेस, फिर यहाँ पे ये सभी चीजें हम देखेंगे, क्लियर है। राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में देखते हैं, राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा, पहले हम लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा यहाँ पे क्या होता है, एक टेम्पररी हाउस होता है, यहाँ पे ये हर 5 साल के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस इसे बोला जाता है या अपर हाउस बोला जाता है। यहाँ पे जो इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 245 यहाँ पे इसके मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी देखने को मिलती है, ये 250 देखने को मिलती है। 250 में से 233 मेंबर्स ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, जिनके बारे में डिटेल में देखेंगे। 12 मेंबर ये प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जो चुने जाते हैं, अब ये स्पेशल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, या कोई सोशल बैकग्राउंड से हो गया, कोई आर्ट से होगा। सो इस प्रकार से जो स्पेशल फील्ड्स होती हैं, यहाँ से प्रेसिडेंट चुनता है 12 मेंबर। और यहाँ पे जो 2 मेंबर जो लोकसभा के चुनता था, वो अब यहाँ पे ये इस साल से इस प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है। मतलब कि ये जो 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा के लिए चुने जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, ये सीट्स खत्म कर दी गई है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेज में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो इसके मेंबर होते हैं, ये हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे याद रखना कि 2 साल के बाद जो मेंबर रिटायर होते हैं, ये 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो 238 मेंबर्स हैं, इसका जो 1/3 हिस्सा होगा, ये हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। सो इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, वो कितना होता है, 6 साल का टाइम पीरियड होता है, क्लियर है। सो ये बेसिक जानकारी, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो राज्यसभा इलेक्शंस है, ये क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए किया जाता है जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो थर्ड टाइप जो देखा जाता है पीआर का, वो क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी जिसे बोला जाता है। सो यहाँ पे राज्यसभा जो इलेक्शंस होते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स हैं, अब उसे यहाँ पे स्पेसिफिक कोटा और सीट का दिया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में किस किस स्टेट से वो कितनी कितनी यहाँ पे होती हैं, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा की यहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्लियर। लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे किसकी, राजस्थान की एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि आपकी बुक में दी गई है, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, मतलब कि इनके जो मेंबर्स होते हैं, कौन मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, एमएलए, एमएलए के द्वारा जो स्टेट्स के होते हैं, उसी स्टेट के वो जो एमपीज जो राज्यसभा में भेजे जाते हैं मेंबर्स, उन्हें चुना जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा।
यहाँ पे जो वोट्स होती है अब वो रैंक के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, अपनी अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे सभी एमएलए देते हैं। सो ऐसे में बाद में क्या किया जाता है कि कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसे यहाँ पे मिनिमम कोटा ऑफ जो वोट्स यहाँ पे जिसे हासिल होता है, सो वो डिटरमाइन की जाती है नीचे जो फार्मूला दिया हुआ है। सो क्या है यहाँ पे, टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन, इस टोटल में से प्लस वन एक्स्ट्रा किया जाता है, ठीक है। सो हिंदी में देख लेते हैं, कुल मतदान डिवाइडेड बाय जो टोटल यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें चुना जाना है, प्लस वन कर देंगे, प्लस टोटल में वन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो हम लेट्स सपोज मान लेते हैं कि जो राजस्थान में टोटल कितने एमएलए हैं, 200 एमएलए हैं, और यहाँ पे जो चार राज्यसभा जो मेंबर्स हैं उनकी सीट खाली है जिन्हें चुना जाना है, क्लियर है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल एमएलए कितने हैं, यहाँ पे टोटल वोट्स जो डाली जाएंगी 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स कितने सिलेक्ट करने हैं राज्यसभा में, चार, चार में हम एक क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं, अब यहाँ पे टोटल में हम क्या करते हैं प्लस वन करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो अभी हमने यहाँ पे देखा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं 200 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस 1, सो 5 से यहाँ पे 24, 0, 40 प्लस 1 41, अगर तो किसी को भी यहाँ पे 41 वोट्स हासिल होती हैं तो वो राज्यसभा इलेक्शंस के लिए चुन लिया जाएगा, ठीक है, चार मेंबर हमने चुनने हैं। सो इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे जो एक हर जो मेंबर होते हैं एमएलए होते हैं उन्हें बैलेट पेपर यहाँ पे दिया जाता है, क्लियर है। अब हमने चार मेंबर चुनने हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स कितने यहाँ पे जिन्होंने अपना नाम लिखवाया है, वो टोटल 7 कैंडिडेट्स हैं, 7 में से हमने चार कैंडिडेट्स चुनने हैं। अब यहाँ पे जो बैलेट पेपर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार का होता है ये बैलेट पेपर, ठीक है, सो बैलेट पेपर, तो यहाँ पे जो बैलेट पेपर होता है सो हर एक एमएलए को दिया जाता है, लेट्स सपोज की जो पहला एमएलए है उसे यहाँ पे बैलेट पेपर दिया गया। अब यहाँ पे जो 7 कैंडिडेट्स हैं अब उनके यहाँ पे वो प्रेफरेंस देगा कि पहले वो किस कैंडिडेट को यहाँ पे चुनना जाता है, लेट्स सपोज उसने पहले चुना जो सी कैंडिडेट है, इसे पहली अपनी प्रेफरेंस दी, दूसरी प्रेफरेंस उसने डी को दी, तीसरी प्रेफरेंस ए को दी, फिर यहाँ पे फोर्थ जी को दी, पांचवी उसने बी को दी, छठवीं उसने ई को, फिर सेवन्थ उसने एफ को दी। सो ऐसे में वो अपनी प्रेफरेंस दे देगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे जो पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में यहाँ पे जो ए है, ए ने यहाँ पे टोटल जो वोट्स हैं वो कितनी हासिल की, 50, जो बी है इसने यहाँ पे 45 की, सी ने यहाँ पे 45 सीट्स हासिल की, डी ने लेट्स सपोज की हम मान लेते हैं कितनी 25 मान लेते हैं, ई ने हम मान लेते हैं कि 10 सीट्स हासिल की, यहाँ पे एफ ने 15 और जी ने यहाँ पे 10 सीट्स हासिल की, ठीक है। टोटल एमएलए राजस्थान की एग्जाम्पल ले रहे हैं, टोटल एमएलए कितना हमने देखा था 200 एमएलए, ठीक है। सो देख लेते हैं टोटल यहाँ पे ये 200 हुआ या नहीं, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 50 140, 140 25 10, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, हाँ पूरे यहाँ पे 200 हो जाएंगे, क्लियर है। सो सभी ने अपने अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे देखो कि जो पहले तीन कैंडिडेट्स हैं, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने चाहिए थे, जो अभी हमने यहाँ पे लास्ट में देखा टोटल जिसे 41 सीट्स हासिल होंगी वो राज्यसभा के लिए चुन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो पहले तीन कैंडिडेट्स हैं, इसे 40 सीट्स हासिल हुई, इसे 45, इसे 45, सो यहाँ पे 41 से ज्यादा सीट्स हासिल हुई हैं, यहाँ पे ये तीन कैंडिडेट तो चुन लिए गए हैं राज्यसभा के लिए। अब यहाँ पे जो चार कैंडिडेट्स बचे, अब इनमें से यहाँ पे 41 सीट्स कोई भी हासिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे चार कैंडिडेट्स हमने चुनने हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ पे सेकेंड राउंड होगा, ठीक है, सेकेंड राउंड होगा। सो वो देख लेते हैं किस प्रकार से आगे यहाँ पे एक कैंडिडेट को चुना जाएगा, तीन कैंडिडेट चुन लिए गए, एक रह गया, तो यहाँ पे जिसकी कम वोट्स हासिल होंगी उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन्हें इलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे डी, डी को कितने यहाँ पे वोट्स हैं 25, और यहाँ पे जो एफ है उसे 15 वोट्स हासिल हैं, सो 10 और 10 यहाँ पे 20, 20 यहाँ पे वोट्स जो कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो 20 वोट्स हैं ये किसे यहाँ पे ट्रांसफर की जाएंगी, यहाँ पे ये डी और एफ को ट्रांसफर की जाएंगी जिन्हें सेकंड प्रेफरेंस बोला जाएगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे इसे 18 वोट्स हासिल हुई बाद में और इसे 2 वोट्स हासिल हुई, अब 15 प्लस 2 17 आ जाएगा, 25 प्लस 18 यहाँ पे कितना आ जाएगा 43,
और 43 वोट्स इसे मिल चुके हैं, यानी कि 41 से ज्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो फोर्थ कैंडिडेट है वो डी यहाँ से चुन लिया जाएगा और एफ ये भी बाहर निकल जाएगा, 7 में से 4 कैंडिडेट। तो ऐसे में ये राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब कि ये ट्रांसफर करते रहते हैं वोट्स आगे। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। सो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाया, वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। क्लियर है? सो इसी के साथ पार्ट नंबर 2 फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, डिटेल में कंप्लीट नोट्स के साथ ऐसी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, कोचिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।